हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.1, दैट इज मेंसुरेशन. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखो बेटा, आपके पास एक पीस ऑफ स्ट्रिंग गिवन है. जैसे ये एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है आपके पास, सपोज करो एक वायर है. इतनी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. What will be the length of each side if string is used to form? A part आपके पास है square. उसने बोला आपको कितनी length चाहिए होगी each side की अगर आप इस string से एक square बनाते हो. ठीक है, अब string की आपके पास length 30 सेंटीमीटर given है. That means अगर आप इससे क्या बनाते हो, एक square बनाते हो. देखो ये string थी, इसको आपने क्या किया, fold दे दिया आपने. अब ये एक तरह से आपके पास ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग से क्या बनाया है, एक स्क्वायर. तो इसकी बाउंड्री तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि यहाँ से देखो, सपोज करो ये वायर थी. अब मैंने वायर को फोल्ड करना स्टार्ट किया, तो ये वायर यहाँ पे आके ख़त्म हुई, स्क्वायर बना दिया मैंने. तो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जितनी स्ट्रिंग के लेंथ है उसके इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर. ठीक है, क्योंकि इससे ही बाउंड्री बनी है, और बाउंड्री जो है वो किसको डिनोट करती है? पेरीमीटर को. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है बेटा आपके पास? 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू लेंथ कितने की बना आपके पास? 30 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितने की बना आपके पास? 30 सेंटीमीटर. तो अब आप साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? साइड इज इक्वल्स टू 30. अब 4 ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके 4 क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड. तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा? आप कट करोगे, 2 2 4, 2 15 30 एंड 27.5 सेंटीमीटर. That means आपके पास स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 7.5, जिससे पेरीमीटर आपका क्या बनेगा? 30 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर बेटा? सो नाउ विल मूव ऑन टू द बी पार्ट. अब देखो बी पार्ट आपके पास क्या चीज गिवन है? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब स्ट्रिंग तो आपके पास 30 सेंटीमीटर ही है. अब उसको आपने क्या किया, उसको आपने एक क्या बना लिया, उससे आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब देखो ये आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई, तो दैट मीन्स आपके पास अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने पे अब ये 30 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, क्योंकि अब आपने क्या बना दिया है, उस स्ट्रिंग से आपने क्या बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो अब 3 मल्टीप्लाई में आपको साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप क्या करोगे, उधर जाके इसको डिवाइड कर दोगे 30/3. ठीक है बेटा, कट करने पे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर. That means आपके पास अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी बनेगी? 10 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर बेटा? सो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट. नाउ विल मूव ऑन टू द सी पार्ट, एंड सी पार्ट इज, अब देखो बेटा सी पार्ट जो है वो आपके पास रेगुलर हेक्सागन है. जो ये आपके पास स्ट्रिंग थी 30 सेंटीमीटर, इससे आपने अब क्या बना दिया है, एक रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन मींस अ फिगर हैविंग 6 साइड्स, इक्वल 6 साइड्स, बिकॉज रेगुलर वर्ड इज गिवन टू यू. अब आप रेगुलर हेक्सागन बनाओगे, दैट मींस जो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के. तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता क्या है बेटा? 6 इंटू साइड, बिकॉज हेक्सागन हैविंग 6 साइड. और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितने गिवन है बेटा आपके पास? 30 सेंटीमीटर.
नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड, साइड किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू जब मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, सो 30 अपॉन 6 कितना आ गया 5, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ईच साइड ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, this is 5 cm, this is 5 cm, this is 5 cm and this is also 5 cm. Is this clear beta? So this is question number 11. Now we'll do question number 12 in the next video.